तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में, और इस पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं हॉरर बातें, बढ़िया बढ़िया। तो हमारे साथ अपूर्वा हैं और वैशाली, इन दोनों के अलग अलग पर्सनल हॉरर किस्से हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे अपूर्वा से, तो भाई शुरू हो जाओ। क्या हाल है? क्या हाल है? बहुत मीम बन रहे हैं तुम्हारे हमारे पॉडकास्ट से। छाई हुई है पूर्वा तो हर जगह, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पब्लिसिटी मिली है। बट बस छा रखी है, लेकिन इसका नाम किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है कौन लड़की जो बातें कर रही है। हाँ, यही कमेंट्स आते हैं हर जगह, ये है कौन, ये लड़की कौन है, ये है कौन इन्फ्लुएंसर। वैसे तेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है लोगों को पसंद है कि जो ये बोल रही है सही बोल रही है। ये रहस्यमय लड़की है, छलावा है ये हमारे पॉडकास्ट की, छलावा छलावे दूर करने वाली। मैं ये कह रहा था कि लड़की कहती कि मैं अब तुम्हारे पॉडकास्ट में नहीं आऊंगी, मेरा काम छूट जाता है। तो मैंने सोचा इसके काम को भी थोड़ा प्रमोट कर दे। ये अपूर्वा जो है वो डॉक्टर है, एक डेंटिस्ट है, और इनकी जहाँ प्रैक्टिस होती है दोनों डॉक्टर हुआ, दोनों डेंटिस्ट हुआ, अरे वाह। तो इनके जो क्लिनिक की डिटेल्स है वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, अगर आपको कुछ कंसल्ट करना हो तो प्लीज यार। हाँ भाई, दांत वात दिखाओ अपने, घिसवाओ थोड़ा, घिसवाओ कड़वाओ, क्लीनिंग करवाओ थोड़ी। आपसे शुरू करें पूरा मेरे से नहीं, मेरे साफ है। मैं बोलने वाला था कब जा रहे हो, उसने वो कर दिया काम। नहीं, मेरे साफ है ऑलरेडी भाई। हॉरर पॉडकास्ट के लिए लोगों ने खोला है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम। अपूर्वा शुरू हो जाओ, कहाँ की स्टोरी है, क्या हुआ? ये स्टोरी है राजस्थान की, ठीक है। मेरी मदर का होम टाउन है राजस्थान में, और मैं वहाँ पे वहाँ पे ऑनलाइन पता चला था पैरानॉर्मल वॉक्स का, कि वहाँ पे अलग अलग जगह पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज चेज करते हैं, और ये सब डाल के ना वो एक जो चैनल है, ट्रैवल चैनल है, उस पे डालते हैं अपने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। लोग जाते हैं बेसिकली जहाँ पे पैरानॉर्मल या भूतूत वाले किस्से हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं लोग। हाँ, वहाँ जाते हैं, देखते हैं, वहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट से वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज चेक करते हैं, वो अपना इंस्ट्रूमेंट से कि भाई कितना टेम्परेचर गिर रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रही है कि नहीं, वो साइंटिफिक रीजन से वो फोटोज वगैरह खींचना उसी टाइम पे इंस्टेंट, वो सारा जो आपने देखा है कि एक हॉरर फिल्म में जैसे होता है वैसे ही होता है। एंड अब उनके पास काफ़ी एडवांस चीज़ें भी हैं। तो ऐसे ही राजस्थान में एक गांव है, तो वहाँ पे ये पूरी टीम गई थी पैरानॉर्मल एक्टिविटी। ये टीम आपके नोन में है? हाँ, ये मेरे नोन में है, मेरे को ऑनलाइन ही इनके बारे में पता चला था। एंड देन फिर उसके बाद ये लोग अपना वहाँ गए थे राजस्थान में एक गाँव में, तो उन्होंने रात को बोला था कि बेसिकली गांव के अंदर मान्यता ये है कि वहाँ पे ना आप रात को ना जाएं पहाड़ी पे एक, क्योंकि वहाँ पे कर्स्ड है वो पहाड़ी, और वहाँ पे अभी भी कोई भूतनी का साया है, कोई नेगेटिव एनर्जी का साया है। भूतनी तो मैं क्या ही बोलूँ, नेगेटिव एनर्जी का साया है जो आप जो मेल्स को तो नहीं, वो फीमेल्स को चेज करती है। तो उस वो पूरा गाँव अबैंडनड है इसी वजह से, और वहाँ जितने भी केयर टेकर हैं जो होटल वोटल चलाते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत मोटल्स टाइप, तो वो भी सारे मेल्स ही हैं, फीमेल्स वहाँ पे होती नहीं है। तो मैंने तो जाने से मना कर दिया था, मेरे को तो बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। लेकिन वहाँ पे एक फ़ीमेल थी जो गई थी इस पूरे टीम के साथ, एंड वो रात को गए थे अपना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ सर्च करने। बट रात को उनके इंस्ट्रूमेंट्स एक तो काम नहीं कर रहे थे, एंड देन उसके बाद फिर वो उनके साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फिर वो दिन में गए कि उनको लगा कि इनके इंस्ट्रूमेंट की बैटरी डेड हो गई, तो पूरा चार्ज वार्ज करके अपना कैमरा का और थर्मल कैमरा का सब कुछ चार्ज करके, देन दे वेंट टू द हिल जहाँ पे जाना प्रोहिबिटेड था, फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कैच करने अपना चैनल पे डालने के लिए, एंड यू नो कंटेंट जैसे डालते हैं। तो फिर वहाँ पे जो फीमेल थी उसको लगा कि उसके किसी ने बाल ऐसे पीछे से पकड़ के खींच लिए, ठीक है, दिन में, दिन मतलब फुल एकदम डे में। और फिर उसने पीछे मुड़ के देखा, देयर वॉज नोबडी। बट देन वहाँ पे और भी जो थे वर्कर्स, उनके सारे ऊपर जाते ही सारी बैटरीज ड्रेन हो गई, सारा जो उनका जो बैटरी के बिना भी चीज़ें चलती थी वो भी चीज़ें नहीं चल रही थी, कुछ भी नहीं, फ़ोन का कोई सिग्नल नहीं आ रहा, फ़ोन की बैटरीज डेड है, ज़ीरो कनेक्टिविटी। एंड देवर सो हॉरिफाइड कि वो वहाँ से वापस जल्दी जल्दी आ गए, और कहते हैं कि एक वर्कर ने किसी एक परछावे को देखा था जिसमें उस लेडी ने बाल खुले हुए थे एंड कुछ वाइट कलर का गाउन टाइप पहना होता, साड़ी टाइप। और फिर उसके बाद देन दे केम बैक, फिर वो रात को ये सब अपने इंसिडेंट्स वहाँ के केयरटेकर को बताते हैं। तो उन्होंने कहा, वो बताते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, इनकी वजह से ही हम लोग यहाँ पर लेडीज़ को नहीं रखते हैं, तो इसीलिए हमें जाना ही नहीं चाहिए वहाँ पर। तो उनको लगा कि सब नॉर्मल होएगा, क्या ही होता है, जो इन चीज़ों में नहीं बिलीव करते तो उनको बिलीव करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देन उसके बाद उनमें से जो टीम थी उनमें से एक कपल था हस्बैंड वाइफ का, जो वाइफ को लेके गए हुए थे अपनी। तो फिर वो सो रहे थे अपना उसी होटल में,
तो रात को हस्बैंड सो रहा है, वाइफ की बगल में आवाज़ आ रही है 1 2 3, तो फिर वो अपनी वाइफ को बोलते क्या हो गया, क्या कर रही है, सो जा, क्या क्या तू यहाँ पे काउंटिंग करनी शुरू कर दी है, वील टॉक इट अबाउट लेटर एंड एवरीथिंग। तो ठीक है, तो फिर वो सो गए, फिर वो उनकी नींद खुली 2:30 बजे, फिर वो काउंटिंग पहुँची हुई थी 550-650 के अराउंड, फिर उन्होंने कहा पता नहीं क्या कर रही है, कुछ काउंट कर रही थी, मतलब एक ही मोनोटोन में ना काउंटिंग चल रही थी, काउंटिंग चल रही थी नॉन स्टॉप, 1 2 3 4 ऐसे धीरे धीरे, तो वो 650 तक पहुंची हुई थी और फिर वो सो गए, उन्होंने इस चीज़ को नहीं ध्यान दिया। फिर 1.5 घंटे बाद उनकी फिर नींद खुली, 2:30, 2:30, 2:30, 3, देन उनको लगा कुछ तो गड़बड़ है, वो उठे पलटे, देखा उनकी वाइफ नहीं थी वहाँ पे, फिर उन्होंने देखा कि कमरे के कॉर्नर पे उनकी वाइफ नीचे होके बैठी हुई है और वो अपने बाल एक एक करके तोड़ रही है और वो काउंट कर रही है, एंड शी वॉज पोजेस्ड और आई डोंट नो वॉट हैपेंड बिकॉज आई वॉज नॉट देयर, तो शी वॉज पोजेस्ड बाई समथिंग और समबडी, एंड देन उसके बाद शी जस्ट स्क्रीम्स आउट, ऐसे तोड़ रही है, प्रॉपर खींच रही है, एक एक बाल तोड़ के काउंटिंग कर रही है कि मेरे कितने बाल हैं, और पूरा सर में से खून खून आ रहा है, एंड इट वॉज अ वेरी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस फॉर हिम, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि उनके सारे जो टाइम पे कुछ नहीं बताओ, अपनी बीवी को कौन रिकॉर्ड करेगा, खून निकालते हुए बालों से। तो फिर लाइट जलाने की कोशिश करी, लाइट नहीं जली, ही वॉज वेरी स्केर्ड, एंड देन उसके बाद वो जैसी उठे वो औरत ने उनकी तरफ देखा, ठीक है, बिल्कुल वो उनकी बीवी थी नहीं, उनका मानना था कि वो उनकी वाइफ थी ही नहीं, शी वॉज समबडी एल्स नाउ, ठीक है, एंड शी वॉज वेयरिंग द सेम वाइट साड़ी, है ना, उनके पास वाइट साड़ी कहाँ से आई, शी वॉज अ मतलब जो वो लेडी थी शी वॉज वेरी मॉडर्न आउट गोइंग, सारे वेस्टर्न आउटफिट्स रखती थी, तो साड़ी कहाँ से आई उनके पास, साड़ी पहन के, और शी वॉज डूइंग द सेम बाल अपने तोड़ना, एंड देन लास्ट में वो उठी, शी लेविटेटेड टूवर्ड्स द सीलिंग एंड शी वेंट आउट ऑफ द विंडो, मतलब जो बोलने वाली बात है, बट लेविटेट करा होगा नहीं करा होगा, दैट इज समथिंग, दैट इज समथिंग विच यू नो यू कैन नॉट जज, बता नहीं सकते जब तक देखा ना हो भाई, एग्जैक्टली, तो दैट वाज वेरी हॉरिफाइंग, एंड ये एक्सपीरियंस मुझे पैरानॉर्मल वॉक्स वालों से मिला था, तो वो मतलब लेविटेट करी नहीं करी, बट वो विंडो से बाहर चली गई, एंड शी इज लाइक अब तो मिसिंग ही, मैं अब तक वो वापस नहीं आई, वापस नहीं आई, उनका कुछ नहीं पता वेर शी इज, वेर शी वेंट, पर उस जगह का ये पता है कि औरतों के साथ ही औरतों का जाना मना है, पर ऐसा क्यों है, कुछ ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे एक लेडी थी, स्टोरी के बिहाइंड यही है कि एक लेडी थी, वो मैरिड थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, लेकिन अब पुराने जमाने में सती का चलता था, तो शी रिफ्यूज्ड कि शी वॉज नॉट गोइंग टू डू सती, बट देन उसका रेप हुआ था एंड देन उसका मर्डर कर दिया था उसी पहाड़ी पे, तो कहा ये जाता है, और उसी पहाड़ी पे उधर वहाँ पे वो भूत आज तक भी, वो नेगेटिव एनर्जी आज भी मतलब हॉन्ट करती है, और अभी भी उसका बहुत अच्छे से परछावा है, वो किसी लेडी को आने ही नहीं देती वहाँ पे, और गांव में अभी भी कोई नहीं रहता, गांव में अभी भी कोई नहीं रहता, दैट इज एन अबैंडन्ड प्लेस भाई, एंड वहाँ पे इतनी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तो उसकी बीवी आई नहीं, फिर उसकी बीवी है ही, मतलब अब तो वो हस्बैंड क्या करता है अभी भी, पैरानॉर्मल वो अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है अभी भी इसी चीज में, प्रोफेशन है, नहीं छोड़ रहा, लेकिन भाई उसने अपनी बीवी खो दी फिर भी नहीं मान रहा, तो अब उस चीज में ना कि मेरी बीवी वापस ढूंढ रहा है, ढूंढ रहे हैं, अच्छा लाइक दैट, तो वो वहाँ के एक्सपर्ट बन गए कि ये जानना चाहते हो कि हुआ क्या उसके साथ एग्जैक्टली, क्योंकि जो साइंटिफिक दिमाग है वो नहीं मानता एक साइड का, तो क्योंकि लोग बहुत मुश्किल से इन चीज़ों पे मतलब बिलीव करते हैं, तो ठीक है, अब जो बिलीव करते हैं आप करते हैं, यार हम तो करते हैं, क्योंकि हमें तो लगता है कि होता तो है, मतलब नेगेटिव एनर्जी होती है, ऐसे देखा नहीं है कि सामने बैठो दिख गया या घर में आता जाता दिख गया, ऐसा देखना चाहते हम, हाँ, और ना देखना चाहते, हम तो मानते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं, हम तो भैया डर है भैया, हमें बहुत डर है, बहुत पट्टू है हमें, तो छलीडा तो स्पेशली मत आ जाइयो, छलीडा या छलावा, हल्का सा अंधेरा भी होता ना मैं तो हनुमान चालीसा शुरू हो जाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भाई, हमारे साथ तो हनुमान जी है देखो, वो कर रहे प्रोटेक्ट, चले इस डायलॉग के बाद वो लग जाएगा डर है जिम कर रहे हैं, तो डर है भैया, डर है हनुमान जी का जाप कर रहे हैं और क्या भाई, जो चीजें नहीं दिखती उनसे तो डरना पड़ेगा यार, उनसे तो डर के रहो, चाहे वो भगवान हो भगवान से भी डर के रहो,
हमेशा याद रखो, कोई आपको देख रहा है और नेगेटिव से भी, जहाँ भगवान है वहाँ शैतान है। तो वो जो एरिया है वहाँ पे काफी जाते होंगे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वो चीज को रिकॉर्ड करने। वो हाँ, लेकिन फिर वही है, कुछ रिकॉर्ड हो नहीं पाता है क्योंकि वहाँ पे कुछ होता है। भानगढ़ वाला किस्सा आधे लोगों को मिलता है आधे लोगों को कुछ नहीं। भानगढ़ में तो ये कहा जाता है काफी लोग चले गए रिकॉर्ड करने, ऐसे सच वहाँ पे मिला नहीं है कुछ, बस फील ही फील होता है, फील होता है बस, लोगों को नेगेटिव एनर्जी फील होती है बट उनको कुछ मिलता नहीं है। भांगड़ में ये होता है ना, जब बंदा जाता है तो वो ठीक है टेम्परेचर फील करता है कि ठंडा हो जाता है एक जगह, हाँ। गर्म हो जाता है या फिर मतलब कुछ, किसी ने ना एविडेंट किसी को तो कुछ दिखा नहीं है सॉलिड, बहुत कम लोगों को दिखता है, जेन्युइन बता रही हूँ, बहुत कम सोल्स हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं साइकिक्स हैं जिनको दिख जाता है, हर किसी को भी नहीं दिखता। लेकिन बहुत से कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, पता क्या करते हैं, जो कैप्चर करते हैं इनको स्पिरिट्स को और नेगेटिव एनर्जी को, ये लोग एडिटिंग से भी कर देते हैं, एडिटिंग से भी करते हैं अपना कॉन्टेंट चलाने के लिए। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है जो तूने बताया, ये अगर जब बंदा वो सिर्फ बता ही सकते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, पहले फोन उठा के रिकॉर्ड कर लो, वहाँ मुंह तलिकड़ा पड़ा है अगले आदमी का, वो रिकॉर्ड थोड़ी करेगा। तो जो बेसिकली कंटेंट डालता है मोस्टली फेक होते हैं, लेकिन ये सब एक्चुअल रिकॉर्ड नहीं हो पाते, रिकॉर्ड नहीं हो पाते। वैशाली का एक्सपीरियंस है इसमें, वैशाली एक भी रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास। सो बेसिकली स्टोरी तो यहाँ से स्टार्ट होती है, दैट आई वाज बोर्न इन द हाउस जो कि एक कब्रिस्तान पे बना था। कहाँ की बात है, मैं एरिया तो नहीं बताना चाहती क्योंकि वो पूरा एरिया इज ऑन कब्रिस्तान, दिल्ली में है और पूरा एरिया कब्रिस्तान पे बना हुआ है, और वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो लोग ज़्यादातर बीमार रहते हैं। और हमारे घर में लोग बीमार नहीं होते थे जब तक मेरी दादी थी, क्योंकि मेरी दादी ने कभी रीज़न नहीं बताया, बट वो हर महीने पूजा कराती थी और वो बहुत बड़ी बड़ी पूजा होती थी, लाइक रामायण पाठ हो रहा है, हवन हो रहे हैं, मतलब हर महीने होगा, और वो ये नहीं बताती थी क्यों। एज सून एज शी वॉकड आउट शी डाइड, हम लोगों को तो नहीं पता था, पूजा बंद हो गई, और उसके बाद एक एक करके एवरीबडी स्टार्टेड गेटिंग सिक, सिक एज इन फीवर या सीरियस क्रॉनिक, क्रॉनिक सिक, लाइक किसी को पैरालिसिस हिट कर रहा है। आई हैड द एलर्जी, आई गॉट एलर्जी, जिसकी वजह से मुझे पूरी बॉडी पे रैशेज हो गए थे और सारे टेस्ट हो गए, सब कुछ पता कर लिया, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको रीज़न नहीं पता तो आप दवाई नहीं ले सकते, दवाई किस चीज़ की लोगे। और सबको कुछ ना कुछ होता था, सब बीमार रहते थे ऑल द टाइम। फिर जब हमने पता किया तो हम लोगों को पता चला कि वो जो जगह है वो ही हॉन्टेड है, और वहाँ पे जो एनर्जीज है ना वो आपको निकालने के लिए आपके ऊपर कुछ कुछ करती रहती हैं। और मेरे जो एल्डर्स हैं, मतलब मेरे दादा की बहनें हो गई, और वो सब तो बताती हैं कि हम लोग जब सोते भी थे ना तो हमारे पैरों पे काटने के निशान होते थे, बॉडी पे मार्क्स होते थे, कोई काट के जा रहा है, कोई पकड़ के, मतलब जैसे नील पड़ जाते हैं ना, जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि हमें कोई पंजों के निशान है, कहीं नील पड़ गया हो, ऐसी चीजें होती थी। तो ये सभी के साथ होता था या फिर ये सभी के साथ होता था वहाँ पे। फिर हमने किसी को बुलाया एंड उन लोगों ने बताया कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे कोई 5000 ईयर ओल्ड है और वो तो बिल्कुल भी सह नहीं सकता यहाँ पे किसी को भी। उस मतलब मेरे को एक बेसमेंट में ना, मतलब बेसमेंट ही था वो काइंड ऑफ, और हमारा स्टोर रूम था और मैं बहुत छोटी थी, और उसमें जाने का ना सबको मना था, मतलब कोई नहीं जाएगा। ऐसे था कि एक मंदिर है और उसके साइड में है, मंदिर में एक लाइट है लेकिन उस रूम में कोई लाइट नहीं है, और उसमें एक छोटी सी खिड़की है जिसमें से लाइट आती है, और वहाँ सबको जाना मना है, बच्चों को होता है ना मना कर दिया तो जाना है, तो मैं जाती थी और मैं वहाँ बैठती थी। और एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे इतना डर लगा कि मैं वहाँ से बाहर निकली और मैं उसके बाद कभी नहीं गई। मुझे नहीं याद, आई वॉज 6 years old, आई डोंट रिमेम्बर मुझे क्या हुआ था, लेकिन मेरे को बताया जाता है कि उस दिन के बाद मैं कभी उस जगह पे एंटर नहीं करी, पता नहीं क्या हुआ था। और वहाँ कोई नहीं जाता था, मेरी दादी के अलावा वहाँ कोई नहीं जाता था, और जिस दिन से मेरी दादी गई उसके बाद भी वहाँ पे शायद ही, मतलब घर खाली करने के लिए सफाई हुई होगी तो हुई होगी, वरना उसमें कोई रूम में एंटर कभी करा नहीं। तो तेरे को मेमोरी नहीं है या तेरी मेमोरी वॉश आउट हो गई, तेरे को ऐसा मे बी वॉश आउट हो गई है, आई डोंट रिमेम्बर। बट मेरी वहाँ की सिर्फ यही मेमोरीज है कि चोट लगना, गिरना, हैप्पी मेमोरीज कोई नहीं है। कि एक बचपन की आपकी हैप्पी मेमोरीज होती है ना, तो कुछ कभी दिखा भी है वहाँ पर आई डोंट रिमेम्बर। बट हम लोग जब शिफ्ट कर गए उसके बाद, हम आई हैव शिफ्टेड लाइक 4-5 प्लेसेस, तो जब हम दूसरे घर में आए वहाँ पे कुछ नहीं था, माई ब्रदर वॉज बॉर्न देयर, तो उसने तो कुछ नहीं देखा, सबसे मेरा यंगर ब्रदर है जो, उसने कुछ नहीं देखा, मेरे से छोटे भाई ने काफ़ी चीज़ें देखी थी पुराने वाले घर में। क्या क्या था वो बता सकते हो? लाइक वही, मतलब आपको फिगर्स
कि नहीं अगर फिगर्स नहीं दिख रहे मगर एनर्जीज फील हो रही हैं, आपको डर लग रहा है, पूरी पूरी रात सो नहीं पा रहे हो, आपको ऐसी फीलिंग आती है दैट आई शुड किल माई सेल्फ और आई शुड किल समवन, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुसाइडल थॉट्स थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा था वहाँ पर। हम लोग शिफ्ट हुए दूसरे घर में, जब मैं फरीदाबाद शिफ्ट हुई तो हम लोग ऐसे ही घर में आए और हमें आइडिया नहीं था। हम लोग 4 साल उस घर में रहे और हम लोगों को कुछ नहीं पता चला कि 4 साल तक, मतलब हमें किसी ने ये नहीं बताया कि वो जगह हॉन्टेड है। और जो हमारी मेड थी, वो मेड हमारे पुराने, मतलब जब वो घर टूट के बना नहीं था उससे पहले भी उसमें काम करती थी। ये आपका सेकंड होम था? ये सेकंड होम था फरीदाबाद में। यहाँ पर वो उस मेड, वो हमेशा मेरे को बोलती थी मजाक में, मुझे लगता था मजाक करती है कि तुम ये वाला जो बेडरूम है ना जिसमें तुम सोती हो, इसके ना पिछले वाले जो ओनर्स थे उनका तो बेड हवा में उड़ जाता था, इट यूज्ड टू लेविटेट। और मैं कहती थी कि क्या बोल रही है, ऐसा थोड़ी होता है, मजाक ही लगता है। मैं उसे मजाक लेती थी। बट जब हम लोगों का आइडिया लगा, उस टाइम पे हम लोग रेंट पे गए थे, तो वी थॉट कि यार घर खरीदते हैं, अब यही वाला पापा ढूंढने क्या, इसी को खरीद लेते हैं, बेस्ट ऑप्शन है, बहुत सही लोकेशन पे था भाई, लेकिन हॉन्टेड था भाई। हमें नहीं पता था ना तब तक, तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा था। द डे वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि हम इसे खरीद लेते हैं, हम तक बात पहुंची, मम्मी ने बोला कि भाई पापा सोच रहे हैं कि हम ओनर से बात करें, वी शुड बाय दिस। उस दिन के बाद इट वॉज हॉरिफाइंग, हरकतें होना चालू बहुत ज्यादा, हम मंदिर में भी नहीं बैठ सकते थे। डिटेल बताओ, लाइक हम अगर मंदिर में बैठे हो तो मंदिर में तो आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होती है ना, हम मंदिर में भी बैठते थे तो ऐसा लगता था कि कोई पीछे खड़ा है, और मंदिर में भी अकेले बैठना वॉज सो स्केरी। मेरा भाई का रूम में मंदिर था और मेरा भाई अपने रूम में सोना छोड़ दिया उसने, कि मैं उस रूम में दिन में भी अकेले नहीं लेट सकता। मेरा जो छोटा भाई था वो कहता था कि मुझे अच्छा नहीं लगता, आप लोग घर से मत जाया करो, जैसे हम लोग शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, वो तो स्कूल का बच्चा है, वो पढ़ाई करेगा, वो स्कूल, वो बैल्कनी में खड़ा रहता था जब तक हम वापस नहीं आते थे, कि मैं रूम में नहीं बैठ सकता, मैं अंदर नहीं बैठूंगा, मुझे डर लगता है। हमें समझ नहीं आता था क्या हुआ। देन इंसिडेंट्स ऐसे शुरू हुए कि हम लोग वहाँ गए, मतलब जैसे मैं, आदत होती है ना आपको लाइट ऑफ करके रूम से बाहर जाने की, तो मैं लाइट ऑफ करके जाती थी, चले गए दूसरे रूम में बैठी, वापस आई लाइट ऑन है, लाइट ऑन करके जाऊंगी, वापस आऊंगी लाइट ऑफ होगी। फिर हमने चेक करना शुरू करा कि सच में ऐसा होता है कि, या फिर हम ही लोग भूल जाते हैं, मतलब मे भी मुझे लगाओ मैंने ऑफ कर दिया और हुई नहीं थी। तो हम लोग घर से बाहर निकल जाते थे ऑफ करके, और जब हम वापस आते थे तो ऑन मिलती थी, जब हम ऑन करके जाते थे तो ऑफ मिलती थी। तुमने टेस्ट किया है पर्पसली? हाँ, चलो पर्पसली हाँ, देखते, कि हम देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। हुआ, उसके बाद हम लोगों को थोड़ा कि समथिंग इज हैपनिंग, कबूतर मरे हुए मिलते थे हमारी बैल्कनी में, ये तो सबसे नेगेटिव चीज है। हाँ, जानवर का मरना, मतलब जैसे जानवर, अब बिल्ली ने मारा हो तो उसके ऊपर कोई निशान होगा, इट इज नॉट लाइक कि एक बर्ड आया और जस्ट मर गया वहां पर आकर, ऐसे नहीं होता ना। हमारे यहाँ ऐसे मिलते थे, और हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई एक या दो बर्ड्स मरे में मिलेंगे। हमें समझ नहीं आता, फिर आसपास हमने पूछा, फिर मेरी मम्मा ने बैठा के मेड से पूछा कि भाई तू जो बोलती है अब एक्सप्लेन करके क्या है। तब उसने बताया कि एक मर्डर हुआ था इस बिल्डिंग में, एक कोई फैमिली रहती थी और हम लोगों के पास उसके नोटिस आते थे, पुलिस के नोटिस आते थे, और हम लोगों ने कभी सोचा नहीं कि किस बात के आते हैं कि पुलिस के नोटिस आते हैं, और हम लोग हमेशा कहते थे कि हम लोग, वो बंदा ही नहीं रहता यहाँ जिसके नाम से आप नोटिस भेज रहे हो, वो बेसिकली भाग गया था जिसने मर्डर किया था, उस लेडी को गाड़ दिया था वहाँ पर मेरे बेडरूम के जस्ट नीचे वाले बेडरूम में, वहीं पर पुलिस आई, मतलब कंप्लेन हुई होगी कि मिल नहीं रही है फीमेल, पता चला मर्डर हुआ है, निकाल लिया, निकाल तो लिया, लेकिन जो उस, वो टी पॉइंट पे था घर, ठीक है, तो वो घर के साथ में जो रोड है वहाँ पर हमारे नेबर्स कहते थे कि रात को मत जाया करो वहाँ पे, वो लेडी घूमती है। और ये बात हमें 3 साल बाद पता चली है, हम लोग वहाँ रह रहे हैं, हमें किसी ने नहीं बताया। और वो लेडी क्या करती थी, पीछे वाला जो गेट था घर का उससे एंटर करती थी घर में रोज रात को, और वो हमारी मेड कहती कि हम लोग तो देखते रहते हैं, वो आती है एक सफ़ेद साड़ी में कोई, या कभी काली साड़ी में कभी सफ़ेद साड़ी में, और वो ऐसे अंदर जाती है। मेड तो ऐसे बता रही है ऐसे मजे वाली बात हो कोई, भाई मेड की भी हिम्मत है वहाँ काम करने आ रही है, पुराने वाले में भी और नए वाले और में शॉक्ड थी, मतलब वो बिल्कुल भी शॉक नहीं है उसको कोई, वो नॉर्मल बिहेव कर रही है। हमने कहा यार ये कोई नॉर्मल बात है, और हम इतने साल से रह रहे हैं, तू बता सकती थी हमको, तू ही है शुरू से हमारे साथ में, उसने तुम्हें बताया लेकिन तुम्हें मजाक लगा हमें, उसने बताया
पता है ना, उसने बताया इस तरीके से कि तुम पता है तुम्हारा बेड हवा में उड़ता था, अब नहीं उड़ता, हमें समझ नहीं आ रहा क्यों। तो आप तो वैसे उसी रूम में रहते थे जिसमें उसका मर्डर हुआ था? मैं उस रूम के ऊपर वाले रूम में रहती थी, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। तो आपको कोई रूम में कभी महसूस हुआ कुछ कि रूम में क्या हो रहा है? पहले तो नहीं होता था, टिल हमने डिसाइड करा कि हम उसे जगह को खरीदेंगे, उससे पहले कुछ नहीं फील होता था। उस दिन के बाद ही शुरू हुआ था ये सब कुछ कि हमें फील होने लगा और नेगेटिव एनर्जीज में पूरी पूरी रात सो नहीं पाती थी, ऐसा लगता था कि कोई आ जाएगा। और मेरी मम्मा मेरे सर पे जब तक हाथ नहीं रखती थी तब तक मैं सो नहीं सकती, कि वो मतलब बेसिकली ये बता कि मैं जाग के देख रही हूँ, कुछ नहीं होगा, तू सोती रह, ऐसे सोती थी मैं, वरना मैं नहीं सो पाती थी। एक जो इंसिडेंस जिसकी मैं बात कर रही थी आपसे, बेसिकली हुआ यह था, मैं बैठ के पढ़ रही थी नॉर्मली, मेरे बेड के दोनों कॉर्नर्स में स्पेसेस थे, वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स थे, तो मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ, मैं साइड में पढ़ रही हूँ, इस तरफ वॉल है और इतना स्पेस है, ह्यूमन के खड़े होने का स्पेस नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना ही स्पेस है कि आप चार्जिंग पॉइंट लगा लो, ये सब कर लो। आई स्टार्टेड क्राइंग, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे साथ में कोई खड़ा और मैं देख रही हूँ तो कोई नहीं है, मेरे साथ कोई खड़ा है, कोई खड़ा है। और मैं बहुत बुरी तरह रोने लगी, मुझे समझ नहीं आया कि मम्मा यहाँ पे कोई, और फिर मम्मा आई मेरी, तो मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा कोई यहाँ खड़ा है और वो हट नहीं रहा है, और मेरे को बहुत डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मार देगा, बट वहाँ कुछ नहीं है, देखने में कुछ नहीं है। तो मेरी मम्मा ने क्या करा, गंगा जल लेकर आई, ऑब्वियसली एक सब इंडियंस के पास तो सबसे आसान एक ही तरीका है, गंगा जल, वो गंगा जल लेकर आई और वो वहाँ पर उस कॉर्नर में ही लेकर चली गई सीधा। तो ऐसी फीलिंग हुई जैसे वो मूव करा, वॉट एवर इट वॉज, वो मूव करा और वो दूसरी तरफ चला गया, बेड के दूसरी तरफ चला गया। सिर्फ तू फील कर रही है, आंटी भी फील कर रही है, मम्मी भी फील कर रही थी, वो दोनों फील कर रहे हैं हम। अब मेरी मम्मा दूसरी तरफ गई ऑब्वियसली लेकर उसको, गंगा जल को, तो वो पीछे की तरफ, मेरा बाथरूम था, वो बाथरूम की तरफ चला गया, तो मेरी मम्मा उसको बाथरूम में लेकर गई और मैं बेड के पास ही खड़ी हूँ, मैं मूव नहीं कर रही अपनी जगह से क्योंकि मुझे डर लग रहा था, मैं बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ी थी कि कुछ होगा तो मैं भाग जाऊंगी। मेरी मम्मा बाथरूम में गई है, मेरी मम्मा बाथरूम में गई है जहाँ पे वो है, और जब वो मम्मा ने जैसे गंगा जल बाथरूम में छिड़का, वो चीज़ बाहर आई और बेडशीट जो बिल्कुल सीधी थी वो गोल गोल ऐसे घूमने लगी। व्हाट? बेडशीट पे निशान, जैसे कपड़े के ऊपर इस तरीके के ये जो निशान है ये बनने लगे, गोल 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 गोल, बहुत देर तक। और हम, मैं और मेरी मम्मी बस ऐसे देखते रहे कि ये क्या हो रहा है, बिल्कुल ऑब्वियस समझ नहीं आएगा, और ऊपर को गया और वैनिश हो गया। चादर भी हवा में उड़ रही थी? नहीं, चादर जमीन पर थी, लेकिन चादर तो बेड पर है, पर ये गोल गोल जैसे कोई खड़ा होके घूम रहा हो। नहीं, वो भी नहीं, जैसे गोल हवा घूम रही है, जैसे टॉर्नेडो टाइप्स। और हम लोग पॉज होके देख रहे हैं क्योंकि समझ कैसे आएगा कि क्या है, कि ये हुआ क्या। हम ये होता है ना कि हम लोग सोच रहे हैं अभी तक कि कुछ है, और अचानक से हमें प्रूफ दिख जाता है कि नहीं, हम सच सही सोच रहे थे कि सच में था। उसके बाद तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये तो छोड़ना ही है, उसके बाद हम घर दूसरा ढूंढने लगे, बट दैट थिंग न्यू कि अब हमें समझ आ चुका है कि वो है, तो वो और ज़्यादा उभर कर आने लग गई। तो उस टाइम तक कितने टाइम तक थे, उसके बाद भी जैसे आपको पता चल गया है? बस इतने टाइम तक थे, मतलब 4-5 months मान लो कि हमें अगला घर अरेंज हो जाए, अगला घर अरेंज हो जाए। वो फिजिकली नुकसान नहीं कर रही थी किसी को, स्पिरिट फिजिकली तो नुकसान नहीं कर रही थी, बट डरा रही थी। ऐसा भी कहा जाता है ना, जिस घर में जैसे होता है पोजेस्ट, तो उसमें फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तबीयत खराब जैसे आपको पहले वाले में हो रही थी, ऐसा यहाँ नहीं हो रहा था, यहाँ पे डरा रही थी। लेकिन ये नेगेटिव एनर्जीज जो होती है ना, ये आपको फील करा सकती है अलग चीजें, डराना आपको, सुसाइडल थॉट्स करा, बेसिकली वो एनर्जी चाह रही थी कि आप वो घर ना खरीदो बस। वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो आज तक नहीं बिका, और जब से हम लोग वहां से निकले हैं तो वो आई डोंट थिंक कि उसको किसी ने रेंट पे भी लिया। ऐसी कोशिश नहीं करी कि हवन करा लें, कि ऐसे हवन करा था हमने ट्राई। तो जब हमने, जिस दिन हमारा हवन खत्म हुआ, उस दिन के नेक्स्ट डे जब मैं सो रही थी अपने रूम में, रात को करीब 2-3 बजे से होता है ना कि कभी आपके बीच में आँख खुले, तो बीच में आँख खुली एंड मेरी स्टडी टेबल है वहाँ पर, और सिर्फ बुक्स होती हैं उसके ऊपर, तो कपड़े वपड़े रखने का कोई ये नहीं है कि कोई कपड़े पड़े हो सकते हैं। बेड में कॉर्नर में सो रही हूँ, अब तो हमें था कि भाई पूजा करा ली, अब कुछ नहीं होगा, मैं कॉर्नर में सो रही हूँ और यहाँ पर एक लेडी बैठी हुई दिखाई दे रही है इन ब्लैक, पूरे ब्लैक वगैरह भी दिखाई दिया, फेस नहीं, उसका बैक था पीछे, काले बाल और ब्लैक फिगर,
पूरा ऐसे दिखाई दिया. मैंने आंखें खोली, आई गॉट स्केर्ड, पर मेरे दिमाग में था कि कुछ नहीं होगा, हमने पूजा कराई हुई. मैंने आंखें बंद कर ली कि मे बी मेरा वहम है, चला जाएगा. आंखें बंद करी, वेट करती रही. वही होता ना, आप हनुमान चालीसा पढ़ लो थोड़ी देर, चला जाएगा जो भी है. तो आंखें बंद करी, थोड़ी देर बाद खोली, इट वॉज स्टिल देयर, नाउ मूविंग लाइक दिस. उसके बाद दोबारा आंखें बंद करी, अब तो था ही नहीं, हिम्मत ही नहीं थी कि दोबारा खोल के देखी जाए. वैशाली तेरे साथ में बैठ के डर लग रहा है मुझे. सही में यार, यार रोंगटे खड़े कर रही है तू तो. मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा, दूसरी तरफ फेस करा, आंखें बंद करी, और मैं बस आंखें बंद करके लेटी रही. इनका जब सुबह देखेंगे, अगर कुछ है भी तो मुझे देखना ही नहीं है. सो गई वहीं पे. भाई इसको भी तेरी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी. मैं सोने है सोने की वहीं पे भाई. लेकिन इनको 3-4 साल हो गए सब एक्सपीरियंस करते, तो तू यू गाइस गॉट यूज्ड टू इट और फिर तुम्हें लगा कि यार चलो. बेसिक पॉइंट तो यही था ना कि पहले जब हम जिस घर में थे उसने हमें बहुत परेशान किया था. वी वर सिक, है ना, फाइनेंशियल लॉसेस, और अब सब बीमार थे. कोई भी ठीक नहीं था घर में, चाहे वो मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे भाई हो, चाहे मैं हूँ, कोई भी है, घर में कोई ठीक नहीं है, सब बीमार हैं. और यहाँ पर सिर्फ डरा रहे थे बट कुछ हो नहीं रहा था. वो ये चाह रहे थे कि तुम यहाँ से निकल जाओ. हाँ. ऐसे किस चीज़ का आप यूज टू हो सकते हो यार, इतनी नेगेटिव चीज़ के लिए कैसे ही कभी यूज. हाँ तो वही निकलना था बस हमें तो वहाँ से. बाप रे यार, ये तो खतरनाक चीज़. पड़ेगा भाई. फिर आपने बस वो घर खाली करा और. अरे काम वाली क्या हुआ उसका बताओ. वो क्या कह रही थी, वो वहीं टिकी अभी है, वो भी निकल गई. पता अभी भी मेरे को लगता है मुझे लग रहा है वो चाय पानी पीती है. आधा भैया आगे साथ में बैठेंगे. उसकी बातचीत है, उसकी बातचीत. काम वाली हो वो, साड़ी पहन के आ रही है, बच्चे कर रही है. पर टोर्नेडो वाली चीज तो भाई अनबिलीवेबल है. पर काम वाली क्या घर पे ही रहती थी पूरे टाइम? नहीं नहीं, चली जाती थी. तो फिर तो वो ही नहीं सकती ना. वही अबे चली गई, रात को आ गई साड़ी पहन के. सामने एक बिल्डिंग बन रही थी, वो उसमें रहती थी. अच्छा, स्टोरी ने तो चिल्स दे दिए. टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है क्या? या मुझे ही फील हो रहा है. नहीं नहीं, मुझे भी फील हो रहा है. अबे ऐसे मत बोल यार. नहीं ऐसी है ना, सामने कोई नहीं. अब यार मैं सोच रहा हूँ जब नींद आएगी तो आँख आगे ही जाएगी, कोई बैठा तो ना आगे. अबे तेरे बगल में नहीं है सही टेबल, दूर दूर तक स्टडी टेबल नहीं, वैसे कोई आगे कोने पोने में कुछ हो. अभी कहता ना मुझे नींद आ रही है, अभी नींद उड़ गई भाई. मेरे को तो डर लग रहा है, मैं तो अभी अभी सोसाइटी में शिफ्ट हुआ हूँ, इतने सारे घर हैं, साला किसी में कुछ हुआ हो ऊपर नीचे आ गई. बहुत कुछ होता है. वही तो, कुछ पता ही नहीं होता, ऊपर नीचे आ गई कोई तैरती हुई. वो लोग बताते भी नहीं है कि यहाँ पे कोई सुसाइड हुआ था या कभी कुछ. ये बहुत गलत है यार, बताना चाहिए. वो तो इस चक्कर में तो ये चाहिए हमारा घर बिक जाए, ये हो जाए. नहीं बट यूएस में रूल है कि आपको हाउस रजिस्ट्री देनी पड़ती है, बिना उसके कोई खरीदेगा नहीं. तुम वहाँ पे रेंट पे रहते, तुमने वो खरीदा नहीं था फिर? नहीं, हम लोग रेंट पे ही शिफ्ट हुए थे कि एक्सप्लोर करते हैं एरिया को. तुमने मकान मालिक को बोला नहीं? बे साले क्या है ये, बताया क्यों नहीं तुमने? उनको खुद नहीं पता, वो बैंगलोर रहते. अच्छा, उनको कोई आईडिया नहीं है. खरीद के रख छोड़ रखा होगा. हुआ यही था एक्चुअली, उनको भी नहीं आईडिया कि मर्डर हुआ है वहाँ पर. और जब मर्डर हो गया और एक जो एरिया है उसके ऊपर केस है तो कीमत तो गिर जाती है ना. मैं बता रही हूँ, ऐसे मार्केट के सामने टी पॉइंट पे घर है, अगर वो करोड़ों का भी होगा ना तो वो कुछ लाखों में उनको मिल गया था. ये बात होती है पैसे की. उनके बात तो है. उनको तो एक मौके की जगह मिल गई और उनको पता था कि वहाँ रहना नहीं होगा. खरीद के मारो रेंट साड़ दबा के. अच्छा, तो मैं बता रही थी कि जो मेरी हमारे जो जहाँ पे हम काम करते थे तो वहाँ पे मॉर्ग होना ज़रूरी है, क्योंकि हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो हॉस्पिटल में मॉर्चरी का ये सब होता है. तो मतलब यहाँ पे ना हम कैडेवर्स पे काम करना सीखते थे और उनके बेसिक. व्हाट इज़ कैडेवर्स? कैडेवर्स इज़ लाइक डेड बॉडी जिसको हम केमिकल्स में रखते हैं और उसको स्टडी करने के लिए भी उनके अलग अलग बॉडी पार्ट काट के बॉडी पार्ट स्टडी करने के लिए स्टडी करते हैं. right. कि बॉडी के अंदर बेसिकली कहाँ से नस जा रही है, क्या हो रहा है, पूरा हेड काट के देखेंगे, कान काट के. डेंटिस्ट को भी देखना होता है ये सब? सैडली यस. रो देते थे लड़के, रो देते थे, रो के ना फेंट हो जाते थे. फेंट हो गई थी कई लड़कियां, फेंट हुई थी लड़की क्या लड़के भी, मतलब स्टार्टिंग में जब हमारे तो को कराया भाई वाला सीन तंग डिडिंग दांग डिंग डिडिंग आंग डिंग. हां तो बस ये लॉन्डो के साथ बहुत होता था. लड़कियां तो कितनी सारी खड़ी रह के देख भी लेती थी और ये हमें खुद भी करना पड़ता था फाइनल में. तो बेसिकली वो अंडरग्राउंड एरिया है बेसमेंट का, तो वहाँ पे ना इतनी नेगेटिव वाइब, मतलब पूरे कॉलेज में ठीक है, वहाँ पे साल में एक बार हवन कराते हैं वो लोग, ये भी नहीं कि हर महीने हवन हो. तो वहाँ पे इतनी नेगेटिव वाइब, इतनी नेगेटिव वाइब. मैं और वैशाली क्लासरूम में बैठे हुए थे. वैशाली बताइयो क्या हुआ था फिर. मेरे को तो डर लग रहा है. बताओ ना. हमें साउंड्स आ रहे थे और हम जिस एक लेक्चर हॉल है उस पूरे बेसमेंट में, और उस लेक्चर हॉल के सामने ही ना बिल्कुल लाइब्रेरी है. ठीक है, तो सिर्फ ये जो एरिया है लाइब्रेरी और लेक्चर हॉल का, उसी में लाइट है.
और वहाँ का जो एरिया है जो मॉक के आसपास का है सब बिल्कुल लाइट ऑफ अंधेरा ऊपर से और ठंडा इतना रहता है और बिल्कुल चिल्ड क्योंकि ऑब्वियसली मॉक की वजह से फ्रिज वगैरह होता है वहाँ पे बट वो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है और उस टाइम पर आई थिंक कोई नहीं था मतलब कोई भी नहीं था टाइम होता है ना कॉलेज का कि कोई है नहीं कॉलेज में या सब क्लासेस में बिजी हैं और हम लोग फ्री बैठे हैं दोपहर का टाइम था और कोई 2-3 बजे लंच टाइम था यार लंच टाइम था लेकिन हम लोग लंच पे गए हैं लेट बाकी सबसे तो बाकी सब इज बिजी अपनी क्लास में क्लिनिक में उन सब चीजों में सब बिजी हैं और हम लोग अकेले बैठे हुए हैं हमें साउंड आ रही है और आई थिंक उस दिन लाइब्रेरी बंद थी भाई लाइब्रेरी बंद थी लाइब्रेरी के अंदर से लाइट साउंड आ रही थी तो कोई होगा अंदर यार चूहा पूहा होगा कोई या कोई कपल होगा हमारी लाइब्रेरी जब लाइब्रेरी खुली होती है कोई कपल तहस नहस कर रहा होगा एक दूसरे हमारी लाइब्रेरी जब बंद होती है तो वो लॉक होती है नहीं नहीं उनमें कोई जा नहीं सकता चपड़ासी और उसकी सेटिंग होंगे यहाँ तो टीचर की भी टीचर की क्या की भी सेटिंग है चलती है लाइब्रेरी में भाई सुन आवाज कैसी थी वो कैसी आवाज इंसान की थी चिल्लाने की थी साउंड समथिंग इज फॉलिंग बुक्स गिरने की बुक्स गिर रही है फिर तो चूहा फिर तो नहीं 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 हॉस्पिटल में चूहा बिल्ली कुछ नहीं होता वो एक कुत्ता उल्टा भी बात क्या ये देख के घुसती है हॉस्पिटल है या घर है सुन ये बता दे बुक रिदम में गिर रही थी या रैंडम गिर रही थी बुक हमने एक एग्जांपल दिया बस मैं थोड़ी शर्म रख रहा था तू ये कह रहा है क्या मैं उससे पूछ रहा हूँ तू ये कह रहा है भाई तो फिर तो बुक्स थी बुक्स रिदम में गिर रही थी सिर्फ बुक्स नहीं थी लाइब्रेरी नहीं थी वो अगर हम दूसरे हॉल की तरफ भी देखेंगे तो साउंड्स काइंड ऑफ थे मॉर्ग में से भी आवाज आ रही है जो की तरफ से जो लॉक रहता है और खाली ऑल द टाइम वो सिर्फ जब लैब्स होती है ना तभी ओपन होता है वरना वो ओपन नहीं होता और उसमें कोई भी नहीं जा सकता ना आ सकता ना चूहा बिल्ली छिपकली कुछ नहीं आ जा सकता क्योंकि इसके अंदर की स्मेल इतनी गंदी होती है केमिकल्स की कि कुछ भी जाएगा जानवर तो मर ही जाएगा हमें आंसू आते थे इतने ज्यादा वहां पे हम जाके अगर आधा घंटा बैठेंगे तो हम रो देंगे क्योंकि वो केमिकल्स जो है ना वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं वो चुप जाता है और वो आप में नहीं बैठ सकते सांस नहीं ले सकते उसमें तो वो बंद ही रखते थे तो मैं साउंड्स आई और वो सारा ना एरिया ग्लास का है वहाँ पे दिखता है अंदर बाहर का मॉर्ग के अंदर बाहर का वहाँ कोई नहीं था बट वहाँ साउंड आ रही थी हम लोग वॉशरूम गए वॉशरूम से बाहर आए देखा तो तुम उस तरफ देख पा रहे थे कि कोई नहीं है मॉर्ग के बिल्कुल साथ में है वॉशरूम ये बोलो ना हम कुछ और ही समझ रहे हैं क्या हो रहा वहाँ कोई नहीं था और पूरी आवाज आ रही खत्म किस्सा और उसके बाद भी कुछ किसी को कुछ ना कुछ शैडोज दिखना इट्स नॉट लाइक हमें ही था देन वी आज तब पता चला कि जो हमारा खुद का मैनेजर है कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो डरता है वो डरता है वो नहीं जाता है वो बेसमेंट में नहीं जाता वो दबंग आदमी है उससे बढ़िया दबंग हरियाणवी आदमी मिलेगा नहीं इतना बढ़िया इंसान वो खुद नहीं जाता वहाँ पे और उसने मतलब वहाँ की कुछ वैसे भी कुछ और भी कुछ गलत हिस्ट्री है क्या वहाँ की ऐसा भी गलत हिस्ट्री नहीं है यार लाशों के अलावा और कुछ भी है ये कैडेवर्स जो होते हैं ना ये अबैंडन्ड होती है बॉडीज जो बॉडीज बेसिकली पुलिस को मिली होती है और उसको क्लेम करने कोई आता नहीं है तो फिर उसके बाद ये कॉलेजेस में दे दी जाती है जिनपे स्टडी होती है ये डोनेशन की तरह तो इस हिसाब से और यूनिवर्सिटीज वगैरह में तो नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए पूजा होनी चाहिए जो कि हर साल में एक बार जनवरी में होती है मेरे हिसाब से बाकी आई डोंट नो वहाँ पे हमें नेगेटिव एनर्जीज फील भी होती हैं दिखती भी हैं हल्की फुल्की मतलब परछाई वगैरह दिखी तुझे तुम्हें दिखी है परछाई कभी शाम को मेरे को दिखी थी आई गेस हम लोग वहाँ शाम को थे एक फेस्टिवल टाइप था एंड वहाँ पे अंधेरा था उसी एरिया में सारे में अंधेरा था वॉशरूम की जगह क्योंकि गर्ल्स वॉशरूम बिल्कुल साइड में ही है वहाँ पूरे में अंधेरा था और एक कुछ ब्लैक कलर की परछाई जो कि मतलब दीवार पे दीवार वाइट पेंट हो रखी है उस पर कैसे ब्लैक कलर का कुछ दिखेगा हल्का सा ब्लैक शैडो दीवार के ऊपर बनता हुआ दिखा था शैडो तो यूजुअली लेकिन ब्लैकिश और यही होता है हाँ तो ब्लैक शैडो वाइट दीवार पे बनी हुई गोल अच्छा वो तो किसी चीज की किसी ऑब्जेक्ट की नहीं हो सकती और वहाँ लाइट भी नहीं पड़ रही तो शैडो किस चीज की है तो वो शैडोज भी दिखी थी तो दैट वॉज वेरी वियर्ड हमारे लिए और क्या क्या हुआ है और तो वहाँ पे तो कपल्स ही होते हैं वैसे तो लाइब्रेरी में सारी स्टोरी का सारांश ये लास्ट में कर दिया पता नहीं क्या था पता नहीं कुछ तकड़ा हुआ शैडो थी कपल थी कपल तो होते हैं वहाँ कपल तो होते हैं क्या पता कपल एक साथ हो चिपके हो तो गोल शैडो सी यू भी होते तू कैसे चिपकता हुआ गोल बना देता है सीनियर जूनियर जो भी एक्स वाई जेड
होते हैं सारे कपल लाइब्रेरी में छुप के रोमांस कर रहे होते हैं काम करने के नाम पे। भाई साहब लेकिन यार इसकी वाली स्टोरी ने तो हिला दिया मेरा दिमाग थोड़ा सा यार, डर उसने खुद ने एक्सपीरियंस किया। सही है दोस्तों, मज़ा आया इस हॉरर स्टोरी में। हमें हॉरर एक्सपीरियंस कहेंगे इसे, स्टोरी तो नहीं है, जब खुद के साथ हुआ है तो एक्सपीरियंस ही है। कॉलेज वाला मुझे थोड़ा एम ही लगा, लेकिन इसकी स्टोरी कॉलेज वाला जब होता है तो पता लगता है। जैसे कि एक हॉस्पिटल में, नोएडा के हॉस्पिटल का नाम तो हम भी नहीं ले सकते, पर इसके भाई के साथ भी हो रखा है, एक फ्लोर पे जहाँ डेड बॉडीज रखते हैं वहाँ पर हो जाता है, वहाँ पे होता है क्योंकि उसके फ़ोन में ऑटोमेटिकली लगा ले ब्लूटूथ से इमेजेस रिसीव हो रही हैं और फोन बीप कर रहा है, वो एक्सेप्ट, वो उसे लगा मजे मजे में उसका दोस्त भेज रहा है तो वो एक्सेप्ट भी कर रहा है, कह रहा है साले क्या भेज रहा है, और वो है एक वाइट इमेज, तो उसने कहा कि तूने मुझे क्या भेजा, कह रहा मैं तो कुछ नहीं भेजा, भूत साला फोन चला रहा अंदर। पर इस केस में ये भी हो सकता है प्रैंक है, पता नहीं क्या है, वही है दोनों बच्चों लॉन्डो लॉन्डो की स्टोरी में भरोसा नहीं कर सकते भाई, ये प्रैंक ही है, कौन सा भूत टेक्नोलॉजी चला रहा है आजकल। पर ऐसा होता है भाई जहाँ हॉस्पिटल्स में जहाँ पे डेड बॉडीज वगैरह होती हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी, जहाँ लोग स्पिरिट छोड़ रहे हैं अपनी वहाँ पर होती है नेगेटिव एनर्जी तो होती है। हाँ ये हो सकता है, हॉस्पिटल्स में ना बहुत सारी ऐसी बॉडीज भी आती हैं जो उनको कोई क्लेम नहीं करता है ना, तो जिस जो भी सोल है जिसका कोई भी नहीं है तो वो अपनी बॉडी से अटैच रहेगा और जब तक वो वहाँ रहेगी तब तक वो रहेगा, वो परेशान भी करेगा। सीधी सी बात, जिसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। हाँ, exactly. तो फिर वो तो भटक ही जाता है, वो ऐसे ही करेगा। हमारे यहाँ तो इतनी सारी चीजें होती हैं, पूजा होती है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। वहाँ कोई ऐसी पूजा नहीं होती स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनका, वहाँ पे तो वो इलेक्ट्रॉनिक उससे जला देते हैं। हर कॉलेज में अक्सर वैसे पूजाएं होती हैं, वैसे तुम्हारे भी होती है, हवन होता है साल में एक बार होना और वो भी उस फ्लोर पे नहीं होना। कॉलेजों में कहाँ हो रहे हैं हवन भाई, होते क्यों नहीं होता, हमारी यूनिवर्सिटी में भाई नोएडा में एक स्कूल में भी तो 24 घंटे हवन होते रहते थे कि क्योंकि वो शायद कब्रिस्तान घाट पे बने हुए काफी 24 घंटे हवन चलता रहता था उस स्कूल में, अभी भी चलता होगा, सस्ते मिल जाती ना जमीन वो बना देते सस्ते में। पर लेकिन तेरी हिम्मत है, तूने औरत देखी फिर भी तू सो गई, तो क्या कर सकती थी मैं, उठ के बैठ जाती तो मुझे ऑब्वियसली डर था कि मेरे ऊपर ही कुछ आ जाए। हम तो भागे भैया कमरे से, मैं तो बाहर भाग जाती। कहां भागोगे, मैं बिल्कुल गेट के सामने थी, गुस्से जंप करके तो मैं जाती नहीं कहाँ बंद होती जाके। तो चलो दोस्तों खत्म करते हैं अब इस पॉडकास्ट को, और उम्मीद है आपको मजा आया होगा, आपको मजा आता ही है हॉरर स्टोरीज में, हॉरर एक्सपीरियंसेस में, हॉरर पॉडकास्ट में, तो हम आपके लिए लाते रहेंगे। पर आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, तो ये गोल बटन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा या नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे दबा दो, उसके पैसे नहीं लगते, उससे हमें अच्छा लगता है, तो हमारे लिए सब्सक्राइब कर दो। और इनकी जो भी डिटेल्स है कंसल्टेंसी अगर आपको चाहिए हो किसी अच्छे डेंटिस्ट की और एस्थेटिक डेंटिस्ट की बढ़िया एकदम, समझ रहे हो, अगर प्रमोशन चाहिए आओ भूत की कहानी सुनाओ प्रमोशन करा जाओ, इससे तगड़ा क्या भाई भाई ऐसे मत बोल, बहुत मेल आते हैं यार, अंट शंट में बहुत मेल आ जाते हैं। अरे मेल फॉरवर्ड कर दूं, मेरे को भी मैसेज आने लग गए कि पीयूष से मिला दो, दीपक से मिला दो, शुभम से मिला दो, मैं कहां से मिला दूं। गाइस अपने आप कांटेक्ट करो, सब्सक्राइब करो, कांटेक्ट करो, चलो मिलते हैं आपसे दोस्तों नए पॉडकास्ट, बाय बाय, जय श्री राम।